और इसकी रसोई। रसोई तो ऐसे क्यों कर रहा है तू आज? तो कुछ हाथ में हो रहा है तो ऐसे कर ले, तू मेरे हाथ में कर ले। चल बता 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 जल्दी, चल बता बता बता। हाँ कहाँ है इसका वो? अब नहीं हो रहा। शांति मिलगी, शांति मिलगी, शांति मिलगी। तो छोटी सी है, उसमें ब्राउन कलर का डोर है, ब्राउन ब्राउन दरवाजा है। तो लग जाएगा ना? नहीं है तो लगवा लो भाई, लगवा लो, क्या दिक्कत है? हाँ अरे दे रखा ऑर्डर इसके पति ने, इसको पता ही नहीं है, इसको तो कुछ पता नहीं है। और छोटा सा जिस पे गैस रखी है वो पत्थर छोटा सा है, दोनों गाड़ी में जिस पे गैस रखी है वो पत्थर छोटा सा है। और वो पत्थर ग्रे कलर का है, ग्रे ग्रे सा है। गैस, अरे ऐसे गैस में तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोयल लकड़ी दिख रही है, वो कुछ बना रही है, लड़की है लड़की। हाँ वो कुछ बन रही है गैस गैस पे, कुछ वो दिख रही है कुछ। अच्छा देख बात, कुछ तो बनाएगी पर है कैसी वो देखने में लड़की, बताइए। थोड़ी ऐसे 15-16 साल की लग रही है। ज्यादा की है? ज्यादा की नहीं, कम की है, 12 की। तो लंबी सी है, पतली सी? तो एक पतली लकड़ी दिख रही है, लकड़ी का लड़का होगा, लड़का है वो। तो लकड़ी जैसा क्यों दिखता है? वो फिर उसने उठाया एक डब्बा जिसका ढक्कन ब्राउन रंग का है, उसमें ब्राउन कलर का वो जो डब्बा है उसके अंदर वो है वाइट वाइट वो जो पड़ती है शुगर शुगर शुगर। हाँ शुगर, चीनी 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 हाँ। है चीनी तो उसमें है। तो ब्राउन कलर के ढक्कन के जो डब्बा है उसमें क्या है? उसमें क्या? सफेद सफेद नमक होगा? नमक नहीं, उसमें व्हाइट कलर का। तो मुझे खा के देखना पड़ेगा क्या? खा के देखना पड़ेगा, तुझे कुछ पता ही नहीं अपने घर के बारे में। आई जा चल के इसके संदूक में देख क्या क्या रखा है। इसके पास एक संदूक पाएगा, मैगी वगैरह संदूक है इसके पास, चल के खा के देखेगा ये तब बताएगा। एक है तो, एक है तो, एक संदूक भी है तेरे पास है? तो क्या है कि नहीं है? संदूक है कि नहीं है तेरे पास? हाँ हाँ वो है, उसी में बताएगा। वो सिल्वर कलर का है, मतलब वाइट वाइट सा। श्री वो उसके अंदर तो कुछ वो कुछ तो तेल लगा दिया, तेल लगा दिया, तेल लगा दिया, तेल लगा दिया। एक छोटा उसके अंदर बॉक्स सा रखा है, उसका ढक्कन रेड कलर का है, ऐसा एक बॉक्स सा दिख रहा है छोटा, उसका ढक्कन रेड कलर का है। ताली बजाओ जोर से। और उस बॉक्स के अंदर कुछ ये पैसे से, तो वो रबड़ बैंड में लगा हुआ क्या है? बच्चों का स्कूल का वो रखा सामान, सामान है। तो वो पैसे जैसे क्यों लगे? पैसे भी तो हैं, तो ऐसे है तो तूने गोल गोल वो बना रखी होगी पर्ची, फीस की रसीद की है वो होंगी, वो मंडल है बच्चों के जो फालतू एक ही इकट्ठे लिया हुआ है। हां इकट्ठे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब दूसरी चीज देख, दूसरी चीज देख, बहुत अच्छे, एक्यूरेट एक्यूरेट। और कुछ ऐसे फाइल्स रखी हैं, एक दो चार फाइल्स रखी हैं, चार फाइल, जोर से जोर से। ऐसे वो प्रोजेक्ट फाइल है, प्रोजेक्ट फाइल है, जोर से। दो तीन, तीन प्रोजेक्ट फाइल है लड़के। हाँ और एक स्टिक फाइल है, वो स्टिक फाइल क्या होती है? ट्रांसपेरेंट उत्तर क्यों? हाँ वो ऐसे खुलती है ऐसे। हाँ, तो उसमें पेन से लिखा हुआ है बहुत सारा कुछ, वो फाइल है। तो उसमें मैंने खोला, उसमें वो साइंस की फाइल है जो स्टिक फाइल है, वो उसमें डायग्राम है एक बल्ब का, बल्ब का डायग्राम। ओए ना, 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 ना। और
जीप क्यों निकाल रहे तू इस बात पे? बल्ब का डायग्राम नहीं मिल गया? मिल गया जी। नहीं बोले शनिदेव महाराज की बना रखे बल्ब। तो दूसरी एक जो वो रुक जा, तू तुम्हें ऐसे गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा तो तेल लगा अभी नहीं आएगा, भी नहीं दूध पिए बगैर कैसे गुस्सा आएगा? नंदू का दूध पिएगा जल्दी। एक और जो प्रोजेक्ट फाइल है वो हाथ दे अपना मुझे, वो भी साइंस की है। हाँ, तालिया। उसमें भाई नंदू का उत्साह है, तुम करते रहो। ये क्या, ये कोई कीड़ा बना है उसमें? कीड़ा बना दिया कोई तेरे बच्चे ने? मक्खी बनी हुई है, बड़ी सी मक्खी बना दी। और फाइल में कुछ आता है नहीं, कीड़े मकोड़े बनाता फिरता है, कभी बल्ब छापता फिरता है, पागल है इसका बेटा। पढ़ता तो है नहीं, तो है तो उसमें वो डायग्राम तो बहुत अच्छा बनना है, लेकिन उसकी राइटिंग तो बहुत गंदी है। गंदी राइटिंग है, गंदी राइटिंग है, गंदी राइटिंग है। हाँ, और पता है एक जो दूसरी है फाइल, प्रोजेक्ट फाइल है, वो हम बता रहे हैं ना, इसके पेट में दर्द है। जो तीसरी फाइल है उसमें वो इंग्लिश की है। हाँ वो नहीं, वो इंग्लिश की तो नहीं है, वो हिस्ट्री की फाइल है। मुझे मालूम है वो उसमें वो बने हैं। ये क्या है? इसको तो पता है, ये इस लकड़ी को तो आता है वो बना रहा। हाँ। नहीं हाँ। ये हिस्ट्री की फाइल है, उसमें नक्शे बन रहे हैं। नक्शे नहीं, रुक जा नक्शे नहीं, वो मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री की फाइल है। ओ हो, जिसमें जब पॉट बनाया जाता था। हाँ हाँ वो तो, वो हाँ। नहीं आग, पत्थर से आग वाला, आग वाला सीन। हाँ, वो बना हुआ है। और वो फाइल तो हिस्ट्री, वो गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, तो तेल लगा दो, तो रहा है नहीं, तेल लगा दो, तेल लगा के मालिश कर देता हूँ। फाइल ये है सोशल साइंस की है, वो तरक्की जोर से जोर से। नंदू तू आज किताब ही पढ़ता रहेगा, कुछ और भी अरे ये भी कहाँ पढ़ता है नंदू भी, अभी तो हंस रहा है, ये भी तो ना लायक। अरे अरे तुझे नहीं पता नंदू की भी राइटिंग सबसे खराब है। एक जो दूसरी, ये जो चौथी फाइल है वो उसमें केमिस्ट्री की है, केमिस्ट्री की है, तो थोड़ी मोटी सी भी है। हाँ मोटी सी भी है। इसमें सी टू ए डॉट ए ए टू एच टू एस ओ, अरे ए एल टू ए बी सी डी एम जी कुछ तो लिखा है। मैथ की फाइल होगी, केमिस्ट्री है जी, केमिस्ट्री है जी। हाँ 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 बहुत बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब और क्या रखा है संदूक में? फाइल ही देखता रहेगा। और तो साइड में उसके कोने में इतनी छोटी सी पेंसिल भी है। बोले शिंदे महाराज की। और तू इसकी रसोई में जा, इसकी रसोई कैसी है? पगली की। पगली? हाँ। पगली कौन होती है? ये है पगली। उसका नाम तो कुछ और होता है। चले। तो गुस्सा आ रहा है। दूध दे रहा, दूध दे रहा, दूध तो धुआं निकल रहा है। नहीं निकल रहा, ठंडा हो गया। देख धुआं तो है ही नहीं। अब गुस्सा आ रहा है क्या? तेल लगा देता हूं। तेल लगा कर दो ठंडा। ए हाथ में लगाएगी नंदू के दूध को?
लाया हुआ तो फाड़ दिया तूने सवेरे तक लाया नहीं। सुना तो मैं पी के दिखाऊं तुझे कितना ठंडा है। तो ये कम हो जाएगा फिर कम नहीं होने देंगे और ला देंगे। ठीक है ठंडा हो गया पी ले। अब और ठंडा होने दे है ना, इसकी शक्ति ले ले तब तक। हाँ तो हाँ रसोई 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 ये तो वो कड़े वो उसको खाना भी बनाना आता है तो ये कुछ ऐसे ऐसे कुछ तो ये क्या बना रहा है। तेरी रोटी बना रही होगी, इसकी लड़की रोटी बना रही है, कोई तो बना रहा है। अरे पहले वो लड़की पतली होगी मोटी होगी होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है तो पहले का देख पा रहा हूँ। हाँ, पहले लड़की पतली होगी या मोटी हो गई है ना। ये व्हाइट कलर का बल्ब दिख रहा है, ऐसे घुमा लेते हैं ऐसे घुमा लेना। वो सारे रसोई में व्हाइट कलर का बल्ब है और वो जो ऊपर की सारी रैक्स है क्या पूछ उसमें अभी वो लगा है बता ना भाई क्या जल्दी में पीछे खोलने वाला ये तो नया लगा है, पहले तो नहीं था, वो ऐसे दिख रहा है और ऊपर तो डब्बे से रखे हुए स्टील के और प्लास्टिक के और तो आटा खत्म हो गया है। अरे कम रहा है आटा, आटा तो है ही नहीं। अच्छा एक बात, अपने आप खा पी कर आटा खत्म करके यहाँ पे ठीक बच्चे क्या खाएंगे बंधु। अच्छा चल टूट गई खत्म हो गया। और फिर नीचे तो ऐसे जो खोलने वाला है उसमें तो पैकेट 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 रखे, एक इतना बड़ा पैकेट है वो हल्दी का, हल्दी के हल्दी भी खत्म हो गई। अब कैसे पाएगा, तो इतनी तो रह गई है, इतनी रह गई है उस बड़े पैकेट में हल्दी। वाह कैसे खाना बन पाएगा। दो तीन तीन ऐसे रैक है। हाँ, तीन ऐसे रैक तो पैकेट पैकेट से रखे हैं। हाँ। और दूसरे में तो कुछ चम्मच वो नए नए से कुछ नए नए से चम्मच। अरे वो इसने अपने मायके वालों के लिए निकाल रखे हैं, जब भी आएंगे ऐसे खिलाऊंगी इन चम्मचों से। हाँ? चांदी की चम्मच से खिलाएगी अपने भाइयों को। मैं तो पेपर पेपर रखे हैं एक में, एक पेपर पेपर रखे नीचे तो ये जो पत्थर है उसमें भी ऐसे रैक सी है खोलने वाली, पत्थर में भी रैक है। ले 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 नंदू दूध पी दूध पी, ताली बजाओ ताली बजाओ। यार दूध पीता पीता भी नंदू तेरी रसोई को देख रहा है। नंदू वापिस आ दूध पी पहले फिर बताइए। इनके फ्रिज में तो दूध रखा है। हाँ रखा है फ्रिज में तो दूध। कैसे रखा है, वो थैली में रखा है कैसे रखा है? उसमें भगोने में, भगोने में रखा हुआ है। हाँ ले तो नहीं लेकर आई, तो अपनी लेकर आई थी, देखो खराब हो गया। लेकर आई थी खराब हो गया इसकी बेटा, इसकी नियत सड़ गई थी और इसके दूध की नियत भी सड़ गई। मुझे घर से वो चीज आनी नहीं देती, भैया का मिठाई का डब्बा भी मेज पे रख कर आ गया। पहले पेट में दर्द हो जा मेरे आने के लिए। नंदू अच्छा ये बता इसको है क्या आखिरकार, इसके भूतनेत क्या है? कितनी 30% क्या क्या कटा है इसका, घर जाके परेशान कौन करता है ये देख। वो एक आदमी है। हाँ। वो उसके पीछे चीजें हैं। हाँ। वो जब घर से आने वाली होती है तो पेट के ऊपर दर्द होता है। तू तो पेट में कह रही थी तो पेट के ऊपर दर्द होता है।
भी कभी कभी जब दर्द होता है तो उल्टी सी आती है, चक्कर आने लग जाता है और लो सा ऐसे फील होने लग जाता है, बीपी लो गया, हां ऐसे फील होने लग जाता है, उठते ही चक्कर आने लग जाते हैं। देखा, बिना किसी मशीन के नंदू ने तेरे घर की पूरी सफाई कर दी। ठीक है, डॉक्टर इतना सा देखने के लिए, तेरे पेट की इस चीज को देखने के लिए लाखों रुपए टांग देता तेरे, और समझ में नहीं आता डॉक्टर को। घर तो इतना गंदा है, एक कमरा तो बहुत गंदा सा दिख रहा है। अरे ऐसे ही लगती है, सारा सारा रखती है। ऐसे ही कपड़े वपड़े फैला के आई है, भागी भागी बच्चों के दिया, बच्चों का नाम बदनाम है। संभालती है नहीं घर को, साफ सफाई से रखती नहीं। कूड़े वाला घर है इसका, कूड़े वाला कूड़े वाला। उस बच्ची में ऐसे गिरा किनारा क्या है सारा बता, उसमें क्या 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 रखा। तो जो कमरा बहुत गंदा है उसमें एक सिंगल बेड है, उस कमरे में एक दूसरे में होगा सिंगल बेड नहीं, दो बेड तो है, तो उसके बीच में गैप है, है तो छूट रहा होगा ना थोड़ा, बीच में से अलग अलग कर रखे हैं दोनों। अरे भाई कैप तो बता रहा है, नहीं बेड के बीच में गैप नहीं, अलग अलग कमरे ही है, बेड को अलग नहीं कमरे में अलग है। नहीं, ये जो उस इस कमरे में तो दो बेड है, सिंगल सिंगल ऐसे, एक डबल है, एक सिंगल छोटा है अलग साइड। हां तो वे दो अलग अलग कर रखे हैं ना। बता बता बता, यही है यही है। ये कमरे में तो जो सिंगल बेड है उस पे सारी बुक बुक ऐसे फैली हुई है, आज कर दी होगी उन्होंने, और छोटी सी और पेन स्टैंड ब्लैक कलर का है, एक पेन स्टैंड है ब्लैक कलर का जिसमें पेन रखते हैं, है ब्लैक कलर का है तो है, इसको नहीं पता है, नहीं पता है। मुझे तो दिख रहा है, इसको दिख क्यों रहा है फिर? तो पहले होगा, पहले था। अरे नहीं अब होगा, इसको पता नहीं है, ऐसी बावली है, इसको अपने घर का पता ही नहीं है, क्या है कबाड़ा खिला रखे इसके घर में बच्चों ने। हाँ, है? हाँ, और पति से सफाई करवाती है कि वो देख लेगा, अपने आप सफाई कर लेगा। हाँ, अंगूठियां पहन के घूमती है यहाँ चांदी की, हमें दिखा रही है। हाँ, नहीं नंदू। हाँ, और बुक बुक सारी फैली हुई है, तो ऐसे पहले कोई उन बुक के भी ऊपर कोई सो रहा था, फिर वो उठ के गया तो सब गंदा सा पड़ा हुआ है, ऐसे सारी बिछीड़े से ऐसे है, और जो दूसरा जो बेड है उसमें कपड़े है, जो कपड़े सूखे हुए कपड़े हैं जो उठा के लेकर आई है एक लकड़ी, तो हाँ वो बहुत सारे हैं, वो फैले हुए पूरे बेड पे। वो कमरे का कलर कुछ पर्पल पिंक ऐसे ही है, और एक बड़ा सा शीशा दिख रहा है, शीशा सा बड़ा सा है, तो ब्राउन ड्रेसिंग टेबल ब्राउन कलर की है, वही तो शीशा है, और ड्रेसिंग टेबल में शीशा ही होता है, पत्थर की है, उसमें शीशा नहीं है। हाँ ठीक है, पत्थर की है ड्रेसिंग टेबल, पत्थर की है। वो डाइनिंग टेबल है, उसके ऊपर एक वो है फ्रेम सा लगा हुआ है, उसके ऊपर एक फ्रेम है, ये अच्छा ड्रेसिंग टेबल क्या दूसरे कमरे में चला गया, उसकी ड्रेसिंग टेबल वही रखी है, वही सोती है, वो बच्चों का कमरा था। हाँ? ये वहाँ सोती है, बच्चों के बेड अलग अलग कर रखे हैं इसने। हाँ? उसके उस ड्रेसिंग टेबल के ऊपर एक फ्रेम सा है, उस फ्रेम में सीनरी सी बनी है, लैंडस्केप सा कुछ बना हुआ है। हाँ, पेंट सा किया हुआ है, और एक रॉड भी है, रॉड लाइट वाली ट्यूबलाइट, और बल्ब भी है, और ब्लैक कलर का फैन है, फैन चेरी होगा, चेरी ब्लू ब्लैक ब्लू डार्क ब्लू और बेड
बेड के बगल में छोटी सी ड्रॉअर है, बेड के बगल में, बेड के बगल में, हाँ हाँ है। और फ्लोर व्हाइट कलर का, और फर्श नहीं, अलमारी रखी है ग्रे कलर की, और इसमें बहुत सारे कपड़े हैं। उसी अलमारी में पैसे हैं, पैसे भी हैं, और एक लॉकर है, लॉकर में ज्वेलरी है वो है, और ऐसे फोल्ड करके कोई पेपर सा भी है, उस पे बैंड लगा हुआ है रबर बैंड। वो कहाँ है वो पेपर? वो इसके ज्वेलरी बॉक्स में नहीं, और बॉक्स के बाहर उसी लॉकर में। हाँ लॉकर में। वो पेपर है कहीं का? वो पेपर तो अभी नया नया आया है कुछ दिन पहले, वो है किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है पेपर। प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, अभी आया नया कुछ दिन पहले। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नंदू। और तो एक सोने की डिजाइन, वो नई कीरिंग सी वो ऐसे रखी हुई दिख रही है, उसमें ही एक वो नई कीरिंग चाबियों का गुच्छा रखते हैं जो। हाँ हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बोलिए शनिदेव महाराज की।